Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. और आज का जो वीडियो है गाइज, ये है Flintlock Doglock गन के बारे में. ये है हैंडमेड रेप्लिका. हमारे पास डार्क ब्राउन कलर का एक गन था, एंड दिस इज लिटिल बिट लाइट ब्राउन. और ये उन लोगों के लिए है जो कि रॉयल चीज़ों के शौकीन हैं, जो अपने घर पे सजावट के लिए गन्स को सजा के रखते हैं दीवारों पे, होटल्स के लिए, अगर आपके पास पैलेस है, फार्म हाउस है, ये उसके लिए परफेक्ट है. तो क्या है ये गन, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. दिस इज़ बेसिकली अ हैंडमेड रेप्लिका. अब अगर आप लोगों ने 18 जुलाई का रूल को पढ़ा होगा, आर्म्स रूल का, उसके अंदर बताया गया था कि रेप्लिका के लिए फायर आर्म्स नहीं चाहिए. लोग सोचते हैं ब्लैंक गन है वो, लेकिन वो ब्लैंक गन के लिए नहीं है, वो रेप्लिका इस टाइप की गन्स की बात कर रहा हूँ, जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगती है, फील ओरिजिनल की तरह होती है, बट वो चलती नहीं है. सो ये सजावट के लिए हो सकता है, या फिर एंटीक पीसेस टाइप के लिए है. ये अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट मूवी देखी होगी, शायद मनरेगा करके था, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया है. जितनी भी अंग्रेजों की फिल्म होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है. तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने वाला हूँ. फर्स्ट, लोग जो पूछते हैं कि गन्स की वेट क्या है, तो ये एक्चुअली हैवी गन्स है. आप देख सकते हो रफली 2 किलो का है, 1.968, मतलब रफली 2 किलो का है. इसका लंबाई जो है ये छोटा नहीं है, ये फुल साइज का गन है. मैं आपको इसका लेंथ दिखा रहा हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप देख सकते हो. ये 66 सेंटीमीटर का गन है, विच इज़ वेरी गुड. और अब मैं आपको दिखाने लगा उसके अंदर क्या क्या खूबी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पुराने ज़माने की गन है, जिसके अंदर सामने से बारूद भरते थे, स्टिक से इसके अंदर बारूद को लोड करके फायर करते थे. ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बैरल के अंदर होल किया गया है, और उसको ऐसे बनाया गया है कि आप इससे एक्चुअली फायर नहीं कर सकते. तो ये हुआ करती थी स्टिक, थोड़ा इसके अंदर बारूद भरते थे और यूँ लोड करके एंड देन इसे फायर करते हैं. तो ये बिल्कुल उसका ही रेप्लिका है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बारूद भरा आता था और उसे फायर किया जाता था. तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, सब कुछ सेम है, बट ये सब पार्ट मूव करते हैं और ये बिल्कुल असली की तरह बनाया गया है. बट आप इससे सिर्फ फायर नहीं कर सकते हैं, ये पूरा हैंडमेड है. एंड सब कुछ जैसे पुराने ज़माने में गन्स बनते थे, पूरा हाथ से बनाया गया है कारीगरों के द्वारा. इट्स नॉट मशीन मेड. मशीन मेड जो होते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं, चीप आते हैं, बट जो हैंडमेड होता है उसकी क्वालिटी रफ होती है, वही सेम पुराने ज़माने का फील देता है, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है हमारे वेबसाइट पे, बहुत ज़्यादा. बट अगर आपको इंटरेस्ट है, मे बी आप इसे बल्क में खरीदना चाहते हैं, या फिर आप 3-4 पीसेस खरीदना चाहते हैं, and if you want to purchase this one, we can offer you a great discount. ये मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, ऐसा ना हो आप जाएँ वेबसाइट पर सोचें कि बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आपको सीरियसली बाई करना हो ये वाले, तो वी कैन ऑफर यू डिस्काउंट ऑन दिस वन. और किसी गन पे नहीं, बट इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर. तो क्या करना है गाइस ऑर्डर करने के लिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, वेबसाइट खुल जाएगा, आप उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. आप हमें हमारे वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, सोमवार से लेकर के शनिवार तक वर्किंग आवर्स के अंदर, मतलब 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक. हॉलीडेज का दिन हो तो हम कॉल रिसीव नहीं करते, बट वी ट्राई टू गेट बैक टू यू. सो बस इतना ही था आज के लिए गाइस. इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपके साथ आऊँगा नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव फन.